नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी इन दिनों अपने नए गाने नाचे मधुबन में राधिका को लेकर चर्चाओं में बनी हुई। सनी का ये गाना हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे जानी मानी सिंगर कनिका कपूर ने गाया। इस गाने में सनी न सिर्फ बेहद खूबसूरत नजर आ रही है, बल्कि उन्होंने इस गाने में बेहद ही शानदार डांस किया। जहां एक तरफ ये गाना कई लोगों को पसंद आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिलीज होते ही ये गाना विवादों में फंस गया और मथुरा में इसका जमकर विरोध हो रहा। मथुरा के पुजारियों ने इस गाने पर रोक लगाने की मांग की है और कहा है कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो वो कोर्ट जाएंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा के पुजारियों ने मधुबन गाने में सनी लियोनी के द्वारा किए गए डांस की वजह से धार्मिक भावना आहत होने का आरोप लगाया। वृंदावन के संत नवलगिरी महाराज ने कहा है कि अगर सरकार बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और इस गाने पर प्रतिबंध नहीं लगाती तो वो अदालत जाएंगे। इसके अलावा मथुरा के पुजारी ने सनी लियोनी से माफी मांगने के लिए कहा है। मथुरा के पुजारी ने कहा कि जब तक वो अपने गाने को वापस नहीं लेती और लोगों से माफी नहीं मांगती है तो उसे भारत में नहीं रहने देना चाहिए। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के महेश पाठक ने भी सनी लियोनी के वीडियो पर आपत्ति जताई और कहा है कि उन्होंने इस गाने को आपत्तिजनक तरीके से पेश करके ब्रजभूमि की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। बता दें कि सनी लियोनी ने 22 दिसंबर को मधुबन गाने की म्यूजिक वीडियो रिलीज होने की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी थी। ये गाना सारेगामा म्यूजिक ने रिलीज किया। इस गाने का टाइटल ट्रैक कनिका कपूर और अरिंदम चक्रवर्ती ने गाया। सनी लियोनी ने इस गाने में डांस किया है, जिसे बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर गणेश उस्ताद ने डायरेक्ट किया। इस गाने को मूल रूप से मोहम्मद रफी की 1960 की फिल्म कोहिनूर के लिए गाया गया था। बता दें कि सनी लियोनी का जन्म 1981 में कनाडा में पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। वो 11 साल की थी जब फैमिली के साथ वो अमेरिका शिफ्ट हो गई। सनी के पिता इंजीनियर थे और माँ हाउसवाइफ थी। सनी ने बिग बॉस के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा। सनी लियोनी ने जिस्म 2 से डेब्यू किया था और इस फिल्म को पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था। बाद में उन्होंने रागिनी MMS 2 और एक पहेली लीला जैसी फिल्मों में लीड रोल प्ले किया, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। लेकिन अब सनी अपने नए गाने की वजह से विवादों में बुरी तरह फंस गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में सनी लियोनी के गाने पर बैन लगाया जाता है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।